हेलो दोस्तों, आज मैं आपको कुछ सिक्योरिटी के टिप्स बताने जा रहा हूँ, जिससे आप अगर फॉलो करेंगे तो आप इंटरनेट की दुनिया में ज़्यादा सेफ रह सकेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है आंसू और आपका मेरे इस टेक चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, सबसे पहला टिप्स है कि आप किसी ऐसे लिंक्स पर क्लिक ना करें जिस पर आपको भरोसा नहीं हो। जैसे कोई व्हाट्सएप पर लिंक हो कि फ्री लैपटॉप के लिए या जियो के फ्री इंटरनेट के लिए, ऐसे किसी भी लिंक पर क्लिक ना करें। इसके अलावा ईमेल में भी ऐसे लिंक पर क्लिक ना करें जिस पर आपको डाउट हो। ये सब फिशिंग अटैक हो सकता है। इसमें अगर आप फंसे तो आपकी बहुत सारी प्राइवेट डेटा जैसे आपकी पासवर्ड वगैरह गलत हाथों में जा सकती है। अब दोस्तों, सेकेंड टिप्स है कि हमेशा अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस जरूर रखें। अगर विंडोज़ OS है तब तो बहुत ज़रूरी है। अगर आप बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करते हो तो विंडोज़ डिफेंडर काफ़ी है, पर अगर आप ऐसा कुछ करते हैं जिससे वायरस आने का खतरा होता है तो अच्छी एंटीवायरस रखें। हो सके तो एंटी मलवेयर और एंटी रैंसमवेयर भी रखें, जैसे मलवेयर बाइट एंटी मलवेयर, क्योंकि एंटीवायरस कई बार जिस मलवेयर या रैंसमवेयर को डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, जिसको मलवेयर डिटेक्ट कर सकते हैं। हाँ, एंटीवायरस एंटी मलवेयर रखने से थोड़ा कंप्यूटर का स्पीड स्लो तो होगा, पर यह आपकी सेफ्टी के लिए ही है। अब दोस्तों, तीसरा ट्रिक है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का। दोस्तों, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपके अकाउंट की सिक्योरिटी को बढ़ाता है। आपको कोई आसान सा पासवर्ड नहीं रखना चाहिए और आपको एक ही पासवर्ड हर जगह नहीं डालना चाहिए, और अपना पासवर्ड कहीं डायरी में भी ना लिखें बस याद रखने के लिए। ये सब करने के लिए कुछ ऐप्स हैं जैसे लास्ट पास। इसमें आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेट भी कर सकते हैं और अपनी पासवर्ड सेव भी कर सकते हैं, और ये इनक्रिप्टेड होती है, सिर्फ आपके मास्टर पासवर्ड से ही खुलेगा। डायरी की तरह नहीं कि कोई भी खोल के पढ़ ले। और इसके अलावा चौथा टिप है कि जो भी साइट्स टू स्टेप ऑथेंटिकेशन या टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन सपोर्ट करती है तो उसे ज़रूर इनेबल कर दें। इसमें आप पासवर्ड डालने के बाद आपके ट्रस्टेड डिवाइस पर भी आपको अलाउ करना होगा, या फिर जैसे जीमेल है तो गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप से आपको कोड डालना पड़ेगा, माइक्रोसॉफ्ट ऐप है तो माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर से आपको कोड डालना पड़ेगा। इस तरह से आपकी अकाउंट और सेफ होगी। और इसके अलावा जब आप किसी ब्राउज़र में पासवर्ड डालते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि आप पासवर्ड को सेव करना चाहते हैं कि नहीं, तो आप उसे सेव ना करें। इसमें कोई भी आपके कंप्यूटर को अगर खोल लेता है तो आपका अकाउंट भी खोल सकता है। अब दोस्तों, पांचवा टिप है कि किसी भी पब्लिक वाईफाई, चाहे वो रेलवे की हो या कॉफ़ी शॉप की हो, किसी से भी बिना VPN के कनेक्ट ना करें अपने डिवाइस को। बिना VPN के पब्लिक वाईफाई आपके प्राइवेसी के लिए डेंजरस हो सकती है। और दोस्तों, छठा टिप है कि आप अपने फ़ोन में कभी भी ईजी सा पिन कोड या पैटर्न कोड ना रखें। कोई भी आपको इसे अनलॉक करते हुए देख सकता है और याद कर सकता है, और इस तरह से आपके पूरे मोबाइल की एक्सेस किसी को भी मिल सकती है। तो आप फिंगरप्रिंट जैसे बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन का यूज़ कर सकते हैं, और अगर फिंगरप्रिंट नहीं तो पैटर्न तो बिल्कुल यूज़ ना करें, उसके बदले पिन यूज़ करें, 4 डिजिट से ज़्यादा। और पिन कोड में भी ज़्यादा सिक्योरिटी के लिए ऐप्स होती है जैसे पिन जिनी। इसमें आप पिन कोड डालेंगे तो कोई भी देख भी लेगा तो समझ नहीं पाएगा कि आपने क्या टाइप किया, क्योंकि इसमें एक बॉक्स में 3-4 नंबर्स होते हैं और वो रोटेट होते रहते हैं। तो ये आपके फ़ोन की सिक्योरिटी के लिए डेफिनेटली बेटर होगा। अब दोस्तों, सातवां ट्रिक है कि इन सभी स्ट्रॉन्ग पिंस के बाद भी अपने फ़ोन की कुछ ऐप्स को ज़रूर लॉक रखें, कि अगर आपके फ़ोन की कोई एक्सेस पा भी लेता है तो आपकी कुछ इंपॉर्टेंट या प्राइवेट ऐप्स को ओपन नहीं कर पाएगा। तो ये डेफिनेटली यूज़फुल है। और ऐप लॉक फीचर या तो मोबाइल में पहले से भी होती है या आप अलग से डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब दोस्तों, आठवां टिप्स है कि आप सिर्फ ट्रस्टेड जगह से ही ऐप्स या सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें, जैसे एंड्रॉयड में गूगल प्ले स्टोर से। दूसरे जगह से अनट्रस्टेड ऐप से ऐप डाउनलोड करने में खतरा हो सकता है, तो ट्रस्टेड जगह से ही डाउनलोड करें। और अगर आपको किसी ऐप की ओल्ड वर्जन चाहिए तो APK मिरर से डाउनलोड कर सकते हैं, वो सेफ़ है। और दोस्तों, आपको अपने ऐप्स की परमिशन भी सोच के देनी चाहिए। जैसे कोई गेमिंग ऐप है और अगर वो आपके कॉन्टैक्ट एक्सेस करने की परमिशन मांग रहा है तो आपको सोच समझ के ही देनी चाहिए। और दोस्तों, नवा टिप्स है कि आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर को हमेशा अपडेटेड रखें। चाहे मोबाइल हो या कंप्यूटर, आपको हमेशा अपने एंड्रॉयड, विंडोज़ या iOS को लेटेस्ट वर्जन पे अपग्रेडेड रखना चाहिए, क्योंकि नए वर्जन्स में नए नए खतरों को पैच किया जाता है और आप ज़्यादा सेफ होते हैं। अगर आप अपडेट नहीं करेंगे तो आप ज़्यादा वल्नरेबल होंगे उस खतरे के लिए। अब दोस्तों, दसवां आखिरी टिप है कि आप अपने डेटा की बैकअप जरूर रखें। चाहे वो मोबाइल हो या कंप्यूटर, आपकी डेटा कम से कम 2 जगह ज़रूर होनी चाहिए, चाहे वो क्लाउड स्टोरेज हो या आपकी दूसरी हार्ड डिस्क। बैकअप होने से आपको एक जगह से डाटा अगर डिलीट भी हो गई या करप्ट हो गई तो दूसरी जगह आपकी डेटा सेफ रहेगी। तो दोस्तों, बैकअप तो बहुत ज़रूरी है। तो बस ये कुछ सिक्योरिटी टिप्स थी जिससे आप थोड़ा सेफ रह सकते हैं इंटरनेट की दुनिया में। पर सिर्फ इतनी टिप्स नहीं है सेफ रहने के लिए, और भी कई इंटरेस्टिंग टिप्स हैं जिसे मैं आगे की वीडियो में आपको बताता रहूँगा।
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, कमेंट कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह की वीडियोज़ लेके आता रह सकूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।